श्लोक संख्या 65। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कृष्ण यहां अब सारे पर्दे उठा रहे हैं इस गुप्त ज्ञान से, इस राज से, इस रहस्य से कि ईश्वर कौन है और किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसी आराधना करनी चाहिए, हम कैसे परम शांति प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे परम धाम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा सदैव मेरा चिंतन करो, यानी हमेशा भगवान के बारे में सोचो, कृष्ण के बारे में सोचो। अब भगवान ने जहां पिछले श्लोकों में यह बताया कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम सब प्रकार से उसी की शरण लो तो परम शांति मिलेगी। अब सवाल उठता था कि कैसे हम शरण लें, ईश्वर को तो हम देख नहीं पाएंगे, ईश्वर तो हृदय में चले गए, हमें तो नजर नहीं आएंगे, तो कैसे शरण लें, क्या रूप है उनका, कहीं ईश्वर निराकार तो नहीं, कहीं मात्र रोशनी के रूप में, नूर के रूप में हमारे हृदय में विराजमान तो नहीं, उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, क्या वो दिखते भी हैं, कहीं वो आकार रहित हो गए तो, अरूप हो तो, ऐसे अनेक प्रश्न मानो अर्जुन के मन में आ गए हो। और इन प्रश्नों को सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने मानो समझ लिया हो, पढ़ लिया हो। इसीलिए भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें गुह्यतर नहीं गुह्यतमम ज्ञान देने जा रहा हूं, ऐसा ज्ञान जो मैं किसी को नहीं देता तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि प्रिय मित्र हो, इससे तुम्हारा हित होगा, इसी से कल्याण होगा, इसे जानकर। तो भगवान ने कहा सदैव मेरा चिंतन करो, मैं मुरलीधारी मयूर पुच्छधारी पीतांबर धारी कौस्तुभ मणि धारी नूपुर धारी बाजूबंद धारी कृष्ण, मैं ही हूं भगवान, मैं वृंदावन का प्यारा कृष्ण जो प्यारा भगवान है, वही ईश्वर के रूप में तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसी की शक्ति से ये जगत चलायमान है, शक्तिमान है, उसी की शक्ति से पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के घूमने पर भी हमें चक्कर नहीं आता, उसी की शक्ति से इस आसमान में अनेकानेक लोक टिके हुए हैं, अनेक अनेक ग्रह उपग्रह टिके हुए हैं और वो गिरते नहीं, ये सब उन्हीं की शक्ति से, तो वही है परम भगवान। और भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि तुम उसी का चिंतन करो। भगवान ने चिंतन के लिए अनेक अनेक लीलाएं कर छोड़ी हैं, चिंतन करना मुश्किल नहीं है, चिंतन करना मुश्किल उसका होता है जिसका आकार नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसके बारे में सुना है, देखा कभी नहीं है, जानते नहीं है। पर प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन भला क्या मुश्किल है, बचपन के अनेक अनेक खेल के साथ, अनेक अनेक क्रीड़ाओं के साथ उन्होंने अनेक अनेक भक्तों का उद्धार किया है, कितनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं उनकी कि सूरदास जैसे भक्त जिनको आंखों से दुनिया नहीं दिखती थी, उनको उनकी मन की आंखों से क्या नहीं दिखता था, भगवान में खोए थे, भगवान के रूप माधुर्य का पान करते रहते थे, वो समझ जाते थे आज प्यारे प्रभु ने मंदिर में कौन सी पोशाक धारण की है, कौन सी लीलाएं हैं भगवान की। सूरदास जी जहां कह गए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल बरबस मुख लिपटायो, ये भला कहां देख लिया उन्होंने, मन में हृदय में सच्चे भाव थे, सच्चा प्रेम था, तो भगवान की लीला उनके हृदय में ही प्रस्फुटित हो उठी
क्योंकि ये लीलाएं वो कर चुके थे और इस पर मनन करते करते सूरदास जी जैसे प्यारे भक्तों के आंखों के आगे वो लीला चमत्कृत रूप से फिर से होने लगी। बारंबार उस लीला में वो प्रवेश पाने लगे। तो इसी प्रकार से तरीका बता रहे हैं हमें भगवान श्री कृष्ण के, कैसे उन पर मनन करें। बाल लीला हुई, किशोर अवस्था की लीला हुई, अनेकानेक लीलाएं जो हमारे प्यारे भगवान ने की हैं, उसका उद्देश्य ही यही है कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने उनका अनन्य आश्रय लिया है, उन्हीं की भक्ति करते हैं, वो उनकी लीलाओं का चिंतन कर सके। तो अगर हम उनकी लीलाओं का चिंतन करेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे, क्योंकि उसी के बारे में सोचने में आनंद आता है ना, जिससे प्रेम होता है। जिससे प्रेम ही नहीं, उसके बारे में क्या कोई सोचना चाहता है? और जिसके बारे में सोचते रहें तो क्या उससे प्रेम नहीं होता? इसीलिए भगवान ने कहा कि किसी भी तरीके से मेरी लीलाओं पर मनन करो, मुझ पर मनन करो, मेरा रूप ध्यान करो, चरणों से देखना प्रारंभ करो और मुख कमल तक जाओ, धीरे 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 प्रत्येक अंग प्रत्यंग की माधुर्य का भरपूर आस्वादन लेते हुए भगवान के मुख कमल को देखो। तब उस आस्वादन के आगे दुनिया का तुच्छ रस भूल जाओगे, दुनिया बेकार नजर आएगी। और यही भगवान ने गुह्यतम ज्ञान दिया कि मेरी लीला का चिंतन करेगा तो ही तो भक्त बन पाएगा, तो ही तो मेरा हो पाएगा। क्योंकि जो भगवान की लीला का चिंतन करता है वो भगवान से प्यार किए बगैर कैसे रह पाता है? रुक्मणी जी ने तो मात्र भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था, नारद जी उनको सुनाते थे भगवान की लीलाएं, कभी देखा नहीं था भगवान को। लीला सुनते 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 ऐसे प्रेम में पड़ गईं श्री कृष्ण के कि उन्हें छोड़कर अब किसी को भी अपना बनाने का संकल्प ले ही नहीं सकती थी। सिर्फ श्री कृष्ण ही अब मेरे हैं, यही विचार मन में आ गया। इसीलिए यहां बताया कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। भक्ति सिर्फ मेरी ही हो सकती है और किसी की नहीं। और आगे बोल रहे हैं भगवान कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। देखिए, अगर इस समाज में आप देखें तो हर कोई किसी न किसी की पूजा करते हुए नजर आता है। जैसे कोई अपने बॉस की पूजा करता है, कोई महान नेताओं की पूजा करता है, कोई अभिनेताओं की पूजा करता है, कोई ऐसे ही अपने किसी परिचित और ताकतवर व्यक्ति की पूजा करता है, या कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई यक्षों की पूजा करता है, कोई प्रेतात्माओं को मना रहा है कि काम सिद्ध हो जाए। लेकिन भगवान तक आने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शुद्ध कर देते हैं ना लोगों को, शुद्ध करते हैं। भगवान अगर किसी को शुद्ध करेंगे तो सबसे पहले उसकी जो बुद्धि जो माया में लगी है, संसार में लगी है, उससे हटा के अनासक्त बना के अपने में आसक्त करेंगे। अब जब किसी व्यक्ति को पता चलता है अरे भगवान संसार में से हमारी बुद्धि हटा देंगे, तब हम संसार का भोग कैसे करेंगे? तो ठीक है, भगवान ही को छोड़ दो, संसार मगर पकड़े रहेंगे, भाई संसार में तो रहना है, संसार अपना है, ऐसा सोचने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, अगर भक्ति करनी है तो पूजना सिर्फ मुझे होगा, एकमात्र मुझे। ये नहीं कि सोमवार को किसी की पूजा कर ली, मंगल को किसी की, बुध को किसी की, और फिर एक दिन कृष्ण की भी पूजा कर ली, तब कोई लाभ नहीं होगा, है ना? इसीलिए भगवान ने कहा मेरी पूजा करो। याद रखना, पूजा करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। अब पूजा करेंगे कैसे? भगवान ने श्रीमद् भागवतम में बताया है कि आप बालू से मेरी मूर्ति बनाइए, काष्ठ से बनाइए, पत्थर से बनाइए, धातु से बनाइए, मन से बनाइए, जैसे भी बनाना चाहे बनाइए, और फिर उस विग्रह की स्थापना करके नियमानुसार और शास्त्रों के निर्देशानुसार अनेक उपचारों से भगवान का पूजन करिए, अनेक उपचारों से, और मन लगा के करिए। भगवान के विग्रह में भगवत बुद्धि डाल करके कि ये भगवान ही है, ऐसी पूजा करिए। तो इस प्रकार से चित्त शुद्ध होने लगेगा, और शुद्ध चित्त में ही तो भगवान अपनी समझ डालते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और तब भगवान से और प्रेम होने लगता है और लगाव होने लगता है। और आगे भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। हम कितने लोगों को नमस्कार करते हैं? कभी आप गौर करिए, सुबह से उठते हैं वो लोग जो सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं, वो माँ बाप को नमस्कार करेंगे, बाहर अड़ोसी पड़ोसी को नमस्कार करेंगे, फिर
अपनी अध्यापिकाओं को भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, सब एक साथ चिल्ला के ना जाने कितने लोगों को नमस्कार करते हैं। लेकिन सुबह से लेकर रात तक हो जाती है, पर क्या मजाल कि भगवान को एक बार भी नमस्कार किया जाए, कोई नहीं करता। और भगवान ने देखिए अपनी प्राप्ति के लिए अर्जुन को बहुत गुह्यतम संदेश दिया है जिसमें नमस्कार भी शामिल है कि तुम मुझे नमस्कार करो। ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को एक नमस्कार करते हैं आप तो 100 राजसूय यज्ञ भी है ना, उनसे भी भारी पड़ता है एक नमस्कार, इतना बड़ा फल देता है, सोचिए। तो इसीलिए भगवान ने नमस्कार को शामिल किया है अपनी भक्ति की प्रक्रिया में, क्या कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेडिटेट करो मेरे ऊपर और मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। तो भगवान इतने प्यारे हैं कि ना केवल ये बता रहे हैं कि मेरे पास आने से क्या होगा, अभी तो ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास कैसे आया जा सकता है, कितना आसान है। सोचिए ना, ये जो दिमाग है क्या ये सोचना कभी बंद कर सकता है? उल जुलूल बातें सोचने की इसे आदत होती है। आप आत्मा हैं, इसके नियंत्रक, अगर आप इसे निर्देशित करें और ये भगवान के बारे में ये इनके इन प्रक्रियाएं सोचने लगे तो इसे हम भक्ति कहने लगेंगे, इसे भगवान की शरणागति कहने लगेंगे। और पूजा करने की तो हरेक की आदत होती है, पूजा किए बगैर कोई नहीं रह सकता, अगर वो भगवान की नहीं करता तो संसार की करता है ना, या फिर बड़े बड़े आविष्कारकों की पूजा करता है, नेताओं की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, अगर भगवान की नहीं करता। पूजा इतना महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने कहा मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। बताइए नमस्कार में क्या खर्चा आता है? कोई खर्चे की बात है? दोनों हाथों को जोड़ा, सिर को झुकाया भगवान के आगे, हो गया नमस्कार। लेकिन इस एक छोटी सी क्रिया से आप भगवान के कितने अपने बन गए, कितने नजदीक आ गए, और पहाड़ों जैसे पर्वत जो आपके पापों के थे वो समाप्त होने लगे, धराशायी होने लगे, ये भान भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चला। यही तो कृपा है। इसीलिए भगवान ने कहा जो इस प्रकार से मुझसे जुड़ा रहता है वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। अब बताइए हमारे प्यारे भगवान वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें कोई चीज मेरे पास आने से रोक नहीं सकेगी, तब अगर तुम हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा रूप ध्यान करो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। भक्त बनने का मतलब मेरे ही बारे में सुनो, मेरा ही कीर्तन करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही पाद पूजन करो, मेरा ही अर्चन करो, मुझ पर ही आत्मनिवेदन करो, वंदन करो। ये सब भगवान ने बताया, नवदा भक्ति भगवान को ही लक्ष्य करके की जाए और फिर मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो क्या होगा जब ये सारी क्रियाएं करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ये वचन देता हूं, वचन देता हूं। बताइए भगवान हमें वचन दे रहे हैं, हम जैसे क्षुद्र जीवात्माओं को भगवान को वचन देना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान परम करुणामय है। अर्जुन भगवान का जन्म जन्म से भक्त है, अनेक अनेक जन्मों से भक्त है, हमेशा का भक्त है, और ये भक्ति उसकी शाश्वत है। अर्जुन भगवान के अलावा किसी में मोहित हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहां दिखा रहे हैं कि वो मोहित हो गए, क्यों? क्योंकि भगवान अपनी कृपा को हम जैसे लोगों पर बरसाना चाहते हैं, इसीलिए अर्जुन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया लोगों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, और उसकी वजह से भगवान ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया और वचन तक दे दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मेरा चिंतन करोगे, तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं, किंतु परंतु नहीं, ये होगा तो इसका परिणाम ये होगा ही। और फिर कहते हैं मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो मान लो भगवान को सुनकर के अर्जुन अगर ये बोले कि हे प्रभु, ये तो युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में भला मैं
आपके स्वरूप पर, आपकी लीलाओं पर कैसे मनन करूं? युद्ध में भला इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है कि मैं आपके स्वरूप पर मनन कर पाऊं? तो भगवान कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मेरे स्वरूप पर मनन नहीं कर सकते तो क्या करो, तुम मेरी भक्ति करो, यानी कि तुम मेरी पूजा करो, भक्ति करो। तो अर्जुन अगर कहें, प्रभु अभी हम आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं, अभी तो युद्ध करना है और यहाँ पर आपकी पूजा का उपचार भला मैं कैसे ला सकता हूँ, कैसे आपका भजन कर सकता हूँ, ये भी संभव नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा अर्जुन, अगर तुम पूजा नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, इस समय मेरा स्मरण भी नहीं कर सकते, मेरी लीलाओं का ध्यान भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम मुझे वंदन कर दो, यानी तुम मुझे नमस्कार करो। तो अर्जुन कहते हैं, हाँ नमस्कार हो सकता है, लेकिन क्या प्रभु मात्र नमस्कार करके आपको पाया जा सकता है? क्या मात्र नमस्कार से भगवान को पाया जा सकता है? नमस्कार करने में तो कुछ खर्च नहीं होता, बहुत जल्दी नमस्कार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हाँ तुम निसंदेह रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो नमस्कार करके भी। तो इसका प्रमाण कहाँ है? कहाँ भगवान को नमस्कार करके किसी ने पाया है? तो आपको पता ही होगा, अक्रूर जी ने भगवान की वंदना की, वो वंदन के आचार्य थे। अक्रूर जी जब आए और उन्होंने श्री वृंदावन धाम में भगवान के चरण चिन्ह देखे, तो वो उन चरण चिन्हों पर लोटपोट होने लगे, चरण चिन्हों की वंदना करने लगे, और इस तरह से चरण चिन्हों को नमस्कार करते करते, भगवान को नमस्कार करते करते उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो नमस्कार की बड़ी महिमा है, कैसे हमें वंदना करनी है, किस प्रकार से प्रणाम करना है। तो दंडवत प्रणाम किया जा सकता है। दंडवत प्रणाम कैसे करना है? दंडवत प्रणाम पुरुष ही कर सकते हैं। और वो जब दंडवत प्रणाम करें भगवान को, तो भगवान को अपने बाएं तरफ रखें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो तब अपने ऊपर का वस्त्र पूरा उतार दें और तब भगवान को वो दंडवत कर सकते हैं, अन्यथा पंचांग प्रणाम करें। पंचांग प्रणाम करेंगे तो भी ठीक रहेगा, स्त्रियों के लिए तो पंचांग प्रणाम है ही। तो किस प्रकार से प्रणाम करना है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं ये सूत्र कि अगर कोई मात्र भगवान को हृदय से, वाणी से, अपने मन से प्रणाम करता है, यानी सासंग प्रणाम करता है, सासंग नमस्कार करता है, अनन्य चेता होकर नमस्कार करता है, भगवान से प्रेम करते हुए नमस्कार करता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा था, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान इवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुरभिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। कि अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त दुखों को ये सोच करके सहता रहे कि ये तो मेरे प्रारब्ध के दुख हैं, ये तो मेरे पापों का फल है, मेरे पाप कट रहे हैं, हाँ, और वो भगवान को हृदय से, वाणी से, अपने शरीर से नमस्कार करता रहे, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और उनको नमस्कार करता रहे, बस इस नमस्कार मात्र से, इस धारणा से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उसको अपनी भक्ति, अपना सामिप्य इस प्रकार से देते हैं मानो पिता की विरासत पर किसी बच्चे का अधिकार हो जाए, है ना। यानी कि पिता अगर मरता है तो उस बच्चे का अधिकार पिता की विरासत पर हो जाता है, पिता की संपत्ति पर अपने आप हो जाता है, कहीं से कोई दावा नहीं ठोकना पड़ता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण मन से नमस्कार करता है, नमस्कार मात्र से वो भगवान के चरणों में सेवा प्राप्त कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रेम प्राप्त कर लेता है। तो नमस्कार की भी बड़ी महिमा है, इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में नमस्कार को शामिल किया है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे नमस्कार ही कर दो, इससे भी तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो भगवद गीता का 65वां श्लोक है 18वें अध्याय का, ये श्रीमद् भगवद गीता की जान है, उसका प्राण है, उसका मुख्य संदेश है, और इस एक श्लोक पर ही टिका है पूरे भगवद गीता का आधार। इस एक श्लोक को बताने के लिए ही भगवान ने इतने अध्यायों की भूमिका तैयार की कि मुझे प्राप्त कर लो और मेरे पास आ जाओ और ऐसे प्राप्त कर लो। और आगे भगवान
और भी सुंदर संदेश दे रहे हैं अगले श्लोक में।